रमजान में जंगें हो सकती हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने हाफिज ताहिर अशरफी को निशाने पर रख लिया। इमरान रियाज ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीडीएम हुकूमत ने रोना शुरू कर दिया है और उल्टा अब इलेक्शन को नया बहरान करार दे रहे हैं। इन लोगों को बस अपना जज और अपना फैसला ही पसंद आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली लाइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि इसको 2-3 जजेस की अक्सरियत ने जारी किया है, मगर ये लोग फैसले को 4-3 का साबित करके ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। वजीर कानून को उनके बयान से पहले फैसले की कॉपी जरूर फराहम करनी चाहिए थी। नामवर सहाफी इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी के जरिए रमजान की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर भी तबसरा किया और कहा कि पाकिस्तान रमजान अल मुबारक में बना कई जंगें और गजवात इसी महीने में हुए। इस्लामी नुक्ते नजर से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं, फिर भी अगर वोट डालना खिलाफ शरीयत और 22 गुनाह है तो फिर इलेक्शन की तारीख की भी मुखालफत कीजिए।